है भाई आलू का पराठा, और साथ में मैंने दिए हैं ओरियो बिस्किट्स ताकि वक्त। ये देखें हो रहे हैं सुबह के 6:30। अब जो है ना क्या कर रही है फ्रिज में, क्या किया ये? देखिए वैन आई कि नहीं, जल्दी फटाफट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग सब होंगे? सब होंगे ठीक ठाक, फिट और मजे में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30, आपको दिखाते हैं। ये देखें हो रहे हैं सुबह के 6:30। अब जो है ना बतूल के लिए जल्दी से नाश्ता रेडी कर, और बतूल के स्कूल का आज पहला दिन है वेकेशंस के बाद, तो मुझे काफ़ी खुशी है कि चलो भैया आज जो है ना बतूल से स्कूल जाना शुरू करेंगे, रूटीन में लाइफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बतूल ने 2 महीने की छुट्टियों में बड़ा मुझे तंग किया। तो जल्दी से नाश्ता रेडी करते हैं बतूल के लिए। ये डाल लेते हैं भाई पत्ती, तो ये पी लेती हूँ पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बतूल के लिए अभी नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे बतूल के लिए लंच भी रेडी करना है, तो चले चलते हैं। भाई जब तक बन रही है ना चाय, मैं बतूल के लिए पराठा निकाल लेती हूँ। ये हैं भाई डॉन के फ्रोजन आलू के पराठे, इसको ट्राई करते हैं। इसके मैंने पहले भी लिया था, बहुत मज़े का था। अब दोबारा से इसको जो है बतूल को लंच में बना के देती हूँ मैं। भाई आलू का फ्रोजन पराठा, और यहाँ से दिख रहा है इसका आलू, और साथ में तवा भी हमारा गर्म हो रहा है, तो बस इसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। और बतूल को भी मैंने अभी उठा के वॉशरूम भेजा था, बतूल साहब मुँह हाथ धो के वापस आके ले गए, उनको भी ज़रा उठाना है, तैयार श्यार करना है, तो अभी ज़रा पराठा फ्राई कर लेते हैं। भाई आलू का पराठा, और साथ में मैंने दिए हैं ओरियो बिस्किट्स ताकि बच्चे का दिल घर के खाने से गुजारना, और साथ में दिए टिश्यू, चूँकि मस्ट है ना बच्चे भाई, आपको पता है यूनिफॉर्म गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गर्म बहुत हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं, और अब बतूल के लेके जाते हैं नाश्ता। साथ में मैंने दिया एक छोटा सा जूस, और नाश्ता दिखा रहा हूँ बतूल जल्दी में नाश्ता कर रही हूँ, जल्दी से नाश्ता करें, मैंने आने वाली 5 मिनट आपके पास, साथ साथ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे फातिमा देखिए कितने मज़े से सो रही हैं, अक्सर ये उठ जाती हैं बतूल के स्कूल के टाइम पर, फिर शुक्र है कि अभी ये सो रही हैं। फातिमा का दूध बना लेती हूँ इससे पहले कि ये उठे। जल्दी सही से भी गीली कर ली बतूल आपने, क्या कर रही है फ्रिज में, क्या किया ये? देखिए मैं आई कि नहीं, जल्दी फटाफट, पानी पूरा फिनिश करके आएगा। यहीं खड़ी रहे लेकिन यूनिफॉर्म गंदा ना हो दूर हटके। मेरे अंकल से बोलेगा कि आए तो छुट्टी में मुझे कॉल करें, और जब तक वो गेट ना खोल दें तब तक जाए नहीं, समझ गई? तो भाई अभी स्कूल से आने के बाद बतूल को मैंने सुला दिया था, और बतूल अब तक सो रही है। फातिमा अभी खुद अभी उठी हूँ, और सारे बिस्तर इधर पड़े हुए हैं, और फातिमा को बस जल्दी से मीठा पानी आ रहा था, तो मैंने ऐसा नहीं किया, फटाफट मैंने फातिमा को दहला दला के तैयार कर दिया। फामा कितनी प्यारी लग रही हैं, है ना फामा? ऐसे करें मैं को क्या करवाऊँगी, क्या खिलाऊँगी? नाश्ता। कैसे? दूल बतूल जल्दी से उठे, उठे जल्दी से, शाबाश। चले चले भाई, पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद ये समेटा समाटी करते हैं, और पे बतूल को पढ़ाना भी है, तो आपने मेरे साथ ही रहना है। मैं ले आई हूँ नाश्ता फातिमा का ब्रेड के साथ, और ये है हमारा शीरमा, जिसमें से आधा बतूल खाएंगे आधा मैं खाऊंगी, बहुत ही मज़े का शीरमा है। अरे यार बतूल तो सही से गर्म ही नहीं, चलो खैर है, आ जाए फातिमा ऊपर आए जल्दी से खा लें। आप ज़रा नहीं उठ रही ना, अभी आप ज़रा की पिटाई होने वाली है। स्कूल का अभी तक नाश्ता ही ख़त्म नहीं हुआ, और बतूल जल्दी खाएं बेटा, सिपारे वाली आंटी की कॉल आ रही है, इनको सिपारा पढ़ना है फिर पढ़ने बैठना है, तो भाई अब स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना, बच्चा अच्छा खासा बिजी हो जाता है, तो ये बड़ी एक सुकून की चीज़ होती है कि उसको शरारतों का टाइम ही नहीं मिलता। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कौन कौन सी मदद है जो बच्चों के स्कूल जाने से खुश होती है। तो भाई अभी बस बतूल पढ़ रही है नमाज, इसके बाद बतूल जो है स्कूल का पढ़ेंगी, और कुरान भी बतूल ने पढ़ लिया है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो कर दें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, कमेंट करके बताइएगा कि मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे किस चीज़ पर जो है वीडियो बनानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़।